कोरोना वायरस को लेकर जहां देश एक तरफ जंग लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM पार्टी के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जिस व्यक्ति की मौत हो रही है वो शहीद है। अब ओवैसी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने लिखा कि क्या ये शहादत की नई परिभाषा है? क्या जो लोग निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात से वापस आए हैं ये उन्हें प्रोत्साहित करने का तरीका है? आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा था कि जिस इंसान का इंतकाल वबा की वजह से होता है इस्लाम में उसका दर्जा शहीद का होता है। गौरतलब है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बावजूद 3000 लोग धार्मिक सभा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इसको लेकर बड़ा हंगामा बरपा हुआ है और सियासत भी शुरू हो गई है।